So from today only, I will start a series of question answer and notes and exercises. Okay, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम हमको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए और एक्सरसाइज भी चाहिए. तो अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स ठीक हुआ, आपको पसंद आया, तो फिर सारे चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी आपको उस पर मिल जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. तो पहला है पॉइंट है, व्हाट इज़ पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या है? कंटैमिनेंट्स का इंट्रोडक्शन, और वो इंट्रोडक्शन कहाँ पर? हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज होता है. एयर थी, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाई, वो एयर बिल्कुल कंटैमिनेटेड हो गई. वाटर में हमने इंटॉक्सिकेंट मिला दिए इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू, वो ख़राब हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड, व्हाट इज़ पोल्यूटेंट. पोल्यूटेंट क्या है? सब्सटेंस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, वो सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है. ठीक है, अब पोल्यूटर कौन है? पोल्यूटर वो पर्सन है या वो थिंग है जो एनवायरनमेंट में कंटेमिनेटेड कर रही है, एनवायरनमेंट को हार्मफुल और पॉइजनस बना रही है. ठीक है, अभी क्लियर हुआ? चलो अब हम आगे चलते हैं. सपोज करो ये मैं हूँ. ठीक है, मैंने एक चिप्स का पैकेट खाया, उसको डंप कर दिया सॉइल के ऊपर. तो ये जो चिप्स का पैकेट है बेटा, ये क्या है? पोल्यूटेंट है. क्या है ये? पोल्यूटेंट. ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है ना, पोल्यूटेंट. और जो मैं हूँ, जिसने चिप्स का पैकेट फेंका है, मैं उस हम उसको क्या बोल सकते हैं? पोल्यूटर. मुझे लगता है अब तो ये पोल्यूटर पोल्यूटेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन. तो मुझे पता है स्मार्ट बच्चों, आपको पता होगा उसका आंसर. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन. ये फोर पोल्यूशन ही आपके सिलेबस में है, आपकी बुक में है. ये जो फिफ्थ पोल्यूशन है रेडियो एक्टिव, ये भी आपको नहीं है. ठीक है, तो आप फोर टाइप लिखेंगे, एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल पोल्यूशन. ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मेंशन फाइव वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. आप वो पांच तरीके बताओ जिससे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो. तो पहला, राइडिंग अ बाइक और वॉकिंग. राइड करो या वॉक कर लो, हमेशा कार का यूज़ नहीं करना है. टेकिंग अ बस और कार पुलिंग, कार पुल कर लो, बस में जाओ. बाय अ कार दैट हैज़ ग्रेटर फ्यूल एफिशिएंसी, वो कार खरीदो जिसका एवरेज अच्छा हो, वो बाइक खरीदो जिसका एवरेज बहुत अच्छा हो, कम पेट्रोल में ज़्यादा दूर तक चले. लाइट्स को स्विच ऑफ कर दो, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को स्विच ऑफ करो जब वो यूज़ में नहीं हो. और आप ऐसे बल्ब और ऐसे अप्लायंसेस का यूज़ करो जो एनर्जी एफिशिएंट हो, जो कम एनर्जी में ज़्यादा ग्लो या ज़्यादा काम दे सके. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज़ वाटर पोल्यूशन हार्मफुल फॉर अस. वाटर पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस बिकॉज इट कॉजेज डिसीज़. वो कौन कौन से डिसीजेज हमको देता है? डिसेंट्री, जॉइंटस एंड स्किन डिसीजेज ऑल्सो. डिसेंट्री जो लूज मोशन वॉमिटिंग वाला जो काम है, वो डिसेंट्री भी हमको वाटर पोल्यूशन से होती है. जॉइंटस मतलब पीलिया भी पानी की खराबी से, गंदे पानी से ही होता है. और स्किन में रैशेज आना, वो सब भी हमको वाटर पोल्यूशन का ही गिफ्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट आंसर इज क्वेश्चन, क्या कॉजेज़ हैं नॉइस पोल्यूशन के? व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, किस किस के साउंड से? कार, बाइक, एरोप्लेन्स और ट्रेन. ठीक है, इसके अलावा कार, बाइक, एरोप्लेन, ट्रेन तो हो गया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाय साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी, कंस्ट्रक्शन वर्क, लाउड स्पीकर, टी वी, म्यूजिक सिस्टम ऑल्सो. ठीक है, तो जो मशीनरी से जो आवाज़ आती है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, हम जो लाउड स्पीकर चलाते हैं, टीवी, म्यूज़िक सिस्टम, इस सब से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, एक्सप्लेन. सॉइल पोल्यूशन क्या है उसको एक्सप्लेन करो. तो सॉइल पोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ बिल्डअप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द सॉइल दैट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द एनिमल हेल्थ. ये यहाँ पर ये सॉइल है, इसके ऊपर हमने एक लेयर बना दी काहे की, हमारे गार्बेज की, पोल्यूशन की, है ना, हमारे गार्बेज की. अब क्या होगा, क्या तुमको लगता है कि कोई प्लांट यहाँ पर ग्रो कर सकता है? बहुत मुश्किल बात होगी. अगर कोई एनिमल आके यहाँ पर कोई इंटॉक्सिकेंट या कोई जहरीला या कोई पॉलीथीन खा लेता है, तो उसकी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है ना.
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग आजकल ओवर यूज़ करते हैं. किस किस का ओवर यूज़ करते हैं बच्चा? पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का. तो इन सब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमने यूसेज को जो बढ़ा दिया है, ओवर यूज़ हम जो कर रहे हैं, उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है. अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज़ डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू सॉइल. दूसरा क्या कारण है, जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उसको भी सॉइल के ऊपर डंप कर देते हैं और उससे भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है. और अब जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका नंबर तो कंटिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है, उसका नंबर तो कम होगा नहीं, मतलब सॉइल पोल्यूशन होगा नहीं कम. तो ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज़ डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल बिकॉज ऑफ द नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, वो अपना कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल डंप करेंगी और इट लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन. आई होप ये समझ में आ रहा हो, ये क्लियर हो रहा हो आपको. अब आपके लेट्स थिंक क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस का क्वेश्चन बोलता है कि आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो पोल्यूशन के रिडक्शन में. तो फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, पीपल शुड यूज कारपूल्स टू गो टू स्कूल और ऑफिस. एक मिनट, हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वी कैन यूज़ कारपूल्स टू गो ऑफिस और स्कूल. ऑफिस स्कूल जाने के लिए कारपूल का यूज़ कर लो, बस ले लो. ठीक है, पेपर को केयरफुली यूज़ करो, पेपर के दोनों साइड लिखो. अननेसेसरी वो जो आप कारतूस बनाते हो आपकी क्लासेस में, पेपर की बॉल बनाते हो, मैम जब एक पेपर मांगती है तो चार बच्चे दौड़ के उनको पेपर देने जाते हैं, फिर उस पेपर को वेस्ट कर देते हैं, है ना. तो पेपर को केयरफुली यूज़ करो, जब लाइट की नीड नहीं हो तो उसको स्विच ऑफ कर दो, और किसी भी वेस्ट मटेरियल को रिवर्स और लेग्स में थ्रो नहीं करना है. इसका जो लेट्स थिंक वाला क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, वो आपको खुद से करना है. ठीक है, सो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना. तो पोल्यूटेंट क्या है बच्चा लोग? वो सब्सटेंस है जो पोल्यूशन कॉज करता है. पोल्यूटेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कॉजेज पोल्यूशन. पोल्यूटर कौन है? मैंने आपको ही बताया, पोल्यूटर वो पर्सन है या वो फैक्टर है जो पोल्यूशन करता है. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहे गैसेस का. ओके, कोई भी गैस ज़्यादा और कोई भी गैस कम नहीं होनी चाहिए. उसके बाद है डैश फ्रॉम व्हीकल कॉजेज पोल्यूशन. तो हमारे व्हीकल से क्या एमिट होती है? पॉइजनस गैसेस. ठीक है, नेक्स्ट, पोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ बिल्डअप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस ऑन द सॉइल. सॉइल के ऊपर हार्मफुल सब्सटेंस का बिल्डअप होना किस पोल्यूशन का एग्जाम्पल है? सॉइल पोल्यूशन का. ठीक है, आप लोग इसमें सजेशन भी दे सकते हैं, अगर कुछ इंक्लूड करना है, मेरे बताने का तरीका सही नहीं है तो प्लीज़ 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 कॉमेंट सेक्शन में बताएं, है ना. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मैच द कॉलम. अच्छा, फैक्टर दैट कॉज द पोल्यूशन क्या आएगा? पोल्यूटर. ठीक है, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर. अगर हम गंदगी को रिवर के गंदे इंडस्ट्रियल वाटर को रिवर में डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा बेटा? वाटर पोल्यूशन बढ़ाएगा. ठीक है, लाउड म्यूजिक से क्या बढ़ेगा? नॉइज पोल्यूशन. पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा? सॉइल पोल्यूशन. और व्हीकल से जो गैसेज होती हैं वो क्या बनाती हैं? एयर पोल्यूशन. ठीक है, तो मैच द कॉलम में ये लिखा है, ए बी सी डी नंबर लिखा है, तो आप इसको देख लेना. ठीक है, तो मैच द कॉलम भी क्लियर है. अब हम बात करते हैं चूज द करेक्ट आंसर की. अच्छा, कौन सी पॉइजनस गैस है जो फैक्ट्री से निकलती है? क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है? तो बच्चा लोग हमेशा याद रखना कि जो हार्मफुल गैसेज हैं जो फैक्ट्री से एमिट होती हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. अच्छा, जब आप ड्राई लीव्स को बर्न कर रहे होंगे तो स्मोक एमिट हो रही होगी, तो बताओ ये किसका एग्जांपल है? एयर पोल्यूशन का, है ना. नेक्स्ट है कि कौन सी डिसीज इसमें से वाटर बॉर्न डिसीज है? जॉइंडिस है कि डिसेंट्री है कि स्किन डिसीज है? तो ऑल ऑफ दिस. जॉइंडिस पीलिया भी आपको पानी की खराबी से, गंदगी से होता है. डिसेंट्री लूज मोशंस वॉमिटिंग भी उसी से होती है और स्किन डिसीजेज भी उसी से होती हैं. ठीक है, अब अगर आप लाउड स्पीकर बहुत तेज तेज चलाओगे तो कौन सा पोल्यूशन होगा? नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, लाउड स्पीकर क्या क्रिएट करते हैं? नॉइज पोल्यूशन. विच ऑफ दिस सॉइल पोल्यूटेंट कौन सा है? देखो, लेड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर.
लेड भी हमारी सॉइल के लिए बहुत हार्मफुल है। पेस्टिसाइड्स, वो कीड़े मारने वाली दवाई भी हमारे लिए सॉइल के लिए बहुत हार्मफुल है। केमिकल फर्टिलाइजर्स तो हैं ही, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू, इफ नॉट जस्ट राइट इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड। तो फिर से देखो, थर्ड टाइम आ गया ये। तो द सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन, मैच द कॉलम में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, और अब अनस्क्रैम्बल में भी। तो वो क्या है बच्चा? पॉल्यूटेंट, अ पर्सन और फैक्टर हु कॉज द पॉल्यूशन, ये सेकेंड टाइम आया है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटर। पॉइजनस गैस, ये लिखा ऐसे आपको पता ही चल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट कॉजेज वाटर बॉर्न डिसीज, वाटर बॉर्न डिसीज किससे होती है? वाटर पॉल्यूशन से होती है। नॉइस पॉल्यूशन, लॉस ऑफ हियरिंग, आपकी सुनने की शक्ति खो देते हो। अगर आप ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन में रहोगे तो आपको सुनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस वीडियो का एंड है। बाय बाय। कैसा है वीडियो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओ।